जहाँ दस सोने सोरे आपे आप सामना को आत दराम पे सोरे तेल इन संगे मार पेड़ दुर्ब नापाम कर रनेंद्र जी रनद्र जी अक ट ट्राइबल रिसार्च इनिट्यूट निदेशक डायरेक्टर करय ट्राइबल रिसार्च इनिट्यूट अकाद आदिवासी मुद्दा रे आदिवासी समाज उन परम्परा इतिहास सनाम रहा, रिसर्च इन्यूट कर निदेशक डायरेक्टर नीते कमी आ एसए रिटायर नित डायरेक्टर पदरे मेना और आदिवासी तीना का उसे झारखण्ड दो, दो बाकु उ का पढ़ाक बाक नुए रिसर्च कदायद आदिवासी मुद्दा रे आदिवासी समाज रेबू तो आतं दराम ट्राइब टीवी प्रोग्राम रनिंद्र जी ट्राइब टीवी में आपका स्वागत है जोहार और सब दर्शकों को मेरा हार्दिक जोहार और स्वागत चलिए शुरुआत करते हैं चूंकि अभी अभी वक्त बीता है पूरी देश ने बिरसा मुंडा की जयंती मनाई है झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर का वक्त गुजरा है चलिए वही से शुरू करते हैं कि इस देश ने फिर से आदिवासी शहीदों को याद किया है और जो गौरव दिवस के रूप में गौरव दिवस इन्हें गौरव सप्ताह के रूप में जिसकी घोषणा हुई है यह आने वाले दिनों में आदिवासी इतिहास को कितना बाहर ला पाएगा कितना निकाल पाएगा सुरन जी ये बहुत ही भावुक क्षण और दिन था वो पंद्रह नवंबर का धरती आवाज़ को जिस ढंग से याद किया गया और इस देश के सर्वोच्च सत्ता ने सर्वोच्च पद पर बै, बैठे हुए व्यक्ति ने जिन शब्दों से याद किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से न केवल धरती आवा के ऐतिहासिक अवदान को बल्कि उनकी जो दृष्टि थी जो आदिवासी जीवन दृष्टि है या उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि है जिसमें बराबरी का भाव सबके प्रति न केवल इंसान के प्रति बल्कि जीवों के प्रति और वनस्पतियों के प्रति उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अलग से रेखांकित किया माननीय प्रधानमंत्री ने झारखंड के सारे हमारे आदिवासी जो शहीद हुए हैं उनकी भूमिकाओं को रेखांकित किया नाम से याद किया सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये थी जी कि उनको नाम से याद किया और सत्रह सौ में जो बाबा तिलका मांझी हालांकि सत्रह से शुरू होता है हमारे यहाँ आंदोलन की शुरुआत जो है एक तो ये जो सरकारी पदावली विद्रोह वाली जो विद्रोह शब्द का जो प्रयोग करते हैं लोग वो थोड़ा सा खटकता है क्योंकि ये सरकारी पदावली है कि आदिवासी किसान अगर अपना हक मांग रहा है तो तत्कालिक सरकार जो है उसको विद्रोह कहती है उनका तो वो क्रांति था उनका उनका आंदोलन था उनका हूल था उल गुलाम था वो तो हमेशा वो क्रांति और याद की जानी चाहिए विद्रोह शब्द एक सरकारी शब्दावली है आ, सरकारी पदाधिकारी उसको इस्तेमाल करे या कथित तो मुख्यधारा के इतिहासकार जो अर्काइवल सोर्स पे बहुत निर्भर करते हैं मतलब एक बारीक सी फर्क है क्रांति और विद्रोह में बहुत बड़ा फर्क है अच्छा बड़ी फर्क है हाँ कि अगर सत्ता जो है वो शांति के पक्ष में होती है हमेशा शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था की बात करती है वो उसके जो उसकी जो व्यवस्था है स्वाभाविक है कि गांधी ने जब कहा कि जो स्टेट है वो हिंसा का सबसे बड़ा स्रोत है क्योंकि वहाँ जो मतलब कि अपने ही लोगों के प्रति मैंने एक इंसान जो है इंसान के प्रति ही हिंसा का उपयोग प्रयोग कैसे करेगा इसका इसकी तो ट्रेनिंग होती है पुलिस फोर्स की हो या सेना की हो आखिर वो हिंसा का प्रयोग तो अपने ही जैसे लोगों के प्रति करता है आप पूरे जीव जगत में देख लीजिए कि इस ढंग से कहीं नहीं होता है कि एक जीव जो है अपने ही रेस के अपने ही प्रजाति के ख़त्म करने के लिए तो गांधी ने और कई दार्शनिकों ने स्टेट को वायलेंस का सबसे बड़ा सोर्स माना है तो ये या तो दृश्य होती है पुलिस और पार्लियामेंट्री के फोर्स या फिर अदृश्य होती है जो नीतियाँ होती हैं वो अदृश्य होती है। हाँ वो जो हमेशा बड़े लोगों के पक्ष में जाती है और थॉमस पिकेटी जब ये कह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम के अर्थशास्त्री हैं कि सारे रिसोर्सेज जो है एक परसेंट लोगों के हाथ में जा रहा है धीरे धीरे मुझे याद है कि उसी दिन स्थापना दिवस के ही दिन हुँ. जब हमारे टीआरआई से प्रकाशित पहली बार मतलब कि भाषा के इतिहास में पहली बार आसुरी बिरहोरी ब्रिजिया पहाड़िया माल्टो इनकी किताबें जब वो लोकार्पित कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री ये जब बोलने उठे तो बहुत भावुक हो गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्योंकि वो जो लेखकों को भी सम्मानित उन्होंने किया और जो लेखकों का परिचय आ रहा था तो श्री जी छत्रपाल बिरहोर जो रस्सी बनाते हैं और ये इन्होंने ये किताब लिखा है कि श्री रा, रा, राजा राम बिर, बिरहोर जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं उन्होंने ये किताब लिखा है श्री ये असुर जो किसानी करते हैं और ये इन्होंने किताब लिखा है अब जब वो जा रहे थे पुरस्कार लेने के लिए तो स्वाभाविक है कि बिरहोर है और अत्यंत कमजोर जनजाति वर्ग का आता है लेकिन तो उसकी उनकी, उन, वो जितनी हकीकत और सच्चाई के साथ चीजों को बयां करेंगे कोई दूसरा शायद हाँ लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री ने देखा उनके उन, उनकी उन उनके बड़ी लैंग्वेज को उनकी गरीबी झलक रही थी उनके कपड़े से उनके चेहरे से इतना भावुक हो गए उन्होंने कहा कि गरीबी दिखती है और गरीबी अमेरिका का फर्क बहुत पड़ता जा रहा है अगर इसलिए केवल साल और मोमेंटो इनके लिए बहुत नहीं है उन्होंने एक लाख रुपये की सम्मान राशि की सबकी घोषणा की सारे इन जो पी ग्रुप के लेखक थे तो ये जो गरीबी है और जिन कारणों से है जो आदिवासियों को वंचित समुदाय कहा जाता है कैसे वंचित समुदाय है भाई आ, जो ये शासक रहा है आपको आप आ, आपको बीच में रुकना चाहेंगे हम विषय से ना भटक जाएं <laughs> इसलिए हम गौरव दिवस की गौरव चीजें इतिहास कितना दे बहुत बहुत दे पाएगा अभी तक आदिवासी इतिहास जो है वो साल्टर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा था डेविड हार्डीमन है या शाहिद अमीन है या ज्ञानेन्द्र पांडे हैं या शुरुआत में जैसी झा ने कोल रिवोल्ट पर एक कोलों की क्रांति पर एक लंदन से एक पीएचडी कर लिया आ, हमारे कुमार सुरेश सिंह ने जो 1960 से बासठ के बीच में एचडीएम थे खूंटी में आकर्षित हुए बिरसायत गीतों से उसकी ओर और, और आदरणीय मुची राय मुंडा जी की किताब थी उन्नीस सौ इक्यावन की आ, आदिम जाति सेवा मंडल भैया राम मुंडा जी का संगठन गांधी जी के प्रेरणा से तो वहाँ उनके गीत गाए जाते थे भगवान बिरसा के पाँच सौ से ज्यादा स्कूल था आदिम जाति सेवा मंडल का ये जो हम लोग आदिवासी छात्रावास के रूप में देख रहे हैं एक्चुअली आदिम जाति सेवा मंडल का ही छात्रावास हुआ करता था तो इन लोगों ने जिंदा रखा था और से आकर्षित हुए चुके एच डी तो उन्होंने भी पी किया उसी विषय पर के के दत्ता का संथाल हुल तो ऐसे कुछ किताबें कुछ विदेशियों ने सरदारी आंदोलन खेलवारी आंदोलन पर तो ये छिटपुट कुछ काम आ, हुआ था अभी ये जो आदिवासी गौरव दिवस या सप्ताह के रूप में जब जनजातीय कार्य मंत्रालय ने काम करना शुरू किया है इसको तो कुछ राज्यों को छोड़कर जहाँ टीआरआई अब नहीं है टीआरआई शुरू में पंडित नेहरू के समय में तीन राज्यों में ही थे उन्नीस सौ बावन में उड़ीसा में तिरपन में बिहार जो अभी झारखंड का है और उन्नीस में मध्य प्रदेश का लेकिन अब जो है हरियाणा पंजाब दिल्ली छोड़ के लगभग हर राज्य में टीआरआई है और तो अठासी ऐसे हुल चिन्हित हुए हैं और 200 से ज्यादा जो है आदिवासी शहीद चिन्हित हुए हैं अब सोचिए 200 सौ आदिवासी शहीद अगर उनका इतिहास टी आर आई का काम ही है शोध जनजातीय या आदिवासी कल्याण शोध संस्थान नाम है इसका जी तो अगर इस दिशा में शोध हो और 200 सौ शहीदों आदिवासी शहीदों के कामों को विस्तार से उनका अध्ययन हो ओरल हिस्ट्री में उनके गीतों में भी जाके और आर्काइव में भी जाके तो भारत के इतिहास का स्वरूप कितना बदलेगा इसका हम अंदाज केवल लगा सकते हैं जी ये आ, कभी कभी लगता है कि आ, क, आ, इन सब चीज़ों पर इतिहास में यानी पूर्व में आ, काम नहीं किया गया जिस तरह से हालांकि ये राजनीतिक बयानों में भी ऐसे चीज़ें सुनने को मिलती है क्या लगता है कि आदिवासी शहीदों को नज़रअंदाज किया गया या इन्हें ज़्यादा इनके इनकी कहानियों को प्रकाशित और प्रचारित नहीं एक्चुअली जो है वो ट्राइवल स्टडी के नाम पे एक मानवशास्त्रीय अध्ययन ही केवल सीमित रहा आदिवासी को देखने का नज़रिया जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल पीरियड में डेवलप किया था विकसित किया था बड़ा एक कांगी था उन उनकी जो उनका जो संस्कार था या उनकी जो स्मृतियाँ थी वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अमेरिका के की इंडिजीनियस पॉपुलेशन को लेकर थी जहाँ चौदह सौ बानवे के बाद जब कोलंबस गया तो अधिकांश लोगों को मार के और ब्रिटेन से जो लोग विस्थापित हुए थे औद्योगिक क्रांति के कारण उनको वहाँ स्थापित कर, कर, कर दिया गया तो उस नजरिए से वो देख रहा था चीजों को वो देख ही नहीं रहा था कि इस रा, इस देश में आदिवासी शासकों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है जैसे पाल वंश के खत्म होने के बाद लगभग पूरे बिहार में चेरो लोगों का शासन रहा था चार राजवंश एक साथ शासन कर रहे थे भोजपुर में जो सबसे बड़ा चेरो राजवंश था उसको उज्जैन राजपूतों ने को पीछे हटाने में चौदह से सोलह सौ साल लगा कि भोजपुर से उनको पीछे ठेल के हटा सके उसे ढंग से सोन नदी के किनारे किनारे खेरवालों का शासन था मध्य प्रदेश से लेके आंध्र और महाराष्ट्र के बॉर्डर तक राजगुंडों ने गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश ब्र तक शासन किया और होम लोग असम में 800 सौ की छह सौ शासन उनका रहा है खासी रानियां हुआ करती थी वहां तो मातृप्रधान जयंतिया लोह का शासन वहां बांग्लादेश के से लेके और वो मेघालय तक तो ये बने मोटा मोटी यहाँ आपके यहाँ उड़ीसा में तीन राजवंश हुए हैं भंज जिनके नाम पर मर्यू भंज है, है। हाँ उस ढंग से नल और एक और तीन जनजातीय शासक या डायनेस्टीज रहे हैं तो इन चीजों से कोई मतलब नहीं था वो देख रहा था वो बांटने के चलने का ये आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ आजादी के बाद कंटिन्यू रहा ना अच्छा। हाँ वो परंपराएं कंटिन्यू रही एंथ्रोपोलॉजी अंत्र, अगर विभाग के तौर पे है और एंथ्रोपोलॉजी हमारा नाक नाप के, और नाप के के और अलग नस्ल घोषित कर रहा है जबकि नस्ल की सिद्धांत ही अवैज्ञानिक है है प्रमाणित हो गई है कि हम सब होमोसेपिये सत्रह हजार साल पहले अफ्रीका में चले से चले थे कोई दस हजार पहले आ गया दस हजार साल बाद कोई बाद में आया फर्क इतना ही है होमोसेपियंस तो सब है अब किस इलाके में कहा रहे कि स्किन का कलर बदल गया कितना देर कितनी पीढ़ियों ने धूप में काम किया और वर्ण व्यवस्था कितनी पीढ़ियों ने वो घर में बैठ के केवल हलवा खाया है तो तो इसकी कलर से तो ये जो नस्ल के आधार पे आप एंथ्रोपोलॉजी चलाए जा रहे हैं तो उसने बड़ी हानि पहुंचाई है और टीआरआई का भी अध्ययन अभी तक जो है वही रहा है एक एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है नसलता कथा बुन लहा से जा बड़ा जे टी आर आई नित नवा लिखाते चिलकाते कमी ब्रेक टाइम इन अतंग दरा में पिया और गलमरा हुई कना नेपाम हुई कना दुर्ग नपाम हुई कना रनेंद्र जी सोंगे टीआरआई आर आई डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय सोच संस्थान के निदेशक सोंगे बात थोड़ी आ, ब्रेक से पहले ये पूरी नहीं हुई थी हमें बीच में रोकना पड़ा आ, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनके अध्ययन का जो अपना तरीका होता है और आ, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का या उनके यही हो रहा था कि एथ्रोग्राफिक स्टडी ही हो रहा था कि उनका वो गोत्र क्या है और उनके खान पान क्या है और डांस क्या है एक्चुअली पूरा स्टूडियो टाइपिंग आदिवासियों की अकेडमिया में भी और मास कॉम्य मास मीडिया में भी कि या तो चूंकि वो सैवेज हैं जंगली लोग हैं तो तलवार और तीर धनुष उठा लेंगे या फिर चांदनी रातों में मादर में वो नास्ते रहेंगे पी के आप फिल्मों में देख लीजिए उसी तरह से पेश किया हाँ है। कहानियों में देख लीजिए आज के दिन तरुण भट्टागर जैसे कथाकार हैं वो भी रात में नाचने वाले ही आदिवासियों की वो आधा कपड़ा पहन के नाच रहे हैं उसी की तो तो ये एक इसी में आप अगर ये सोच रहे हैं इन सब चीजों को इसका अर्थ है कि दृष्टि आपकी जो है बहुत ही दोषपूर्ण है दोषपूर्ण है आप बी द पीपल ऑफ इंडिया में आप उनको नहीं मान रहे हम भारत के लोग से आप कहीं अलग मान के चल रहे हैं जबकि भारत के इतिहास को या भारत के जिस राजनीतिक स्वरूप को आप देख रहे हैं अगर राजगोड जिस ढंग से सारे वो जंगल पहाड़ी इलाकों को आंध्र और महाराष्ट्र तक एक सूत्र में बांध के शासन नहीं करते लंबे साल तक मतलब कि मध्य उस समय समय गुप्त काल से से ले लेके और वो ब्रिटिश पीरियड तक सोचिए कितना लंबा है हुँ। हुँ। एक सबसे सबसे कठिन इलाका है जो जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ है वहां वो राजसत्ता स्थापित करते हैं तो इस भारत को भारत बनाने में उनकी भूमिका आप देख सकते हैं अहम लोग का अगर शासन नहीं होता या खासी शासक नहीं होते तो कैसे वो एक ढंग से वो आगे बढ़ पाता और आपके भारत का हिस्सा हो पाता तो भारत को भारत बनाने में और कितने जो एक्चुअली है क्या कि गुप्त काल के समय से ही आदिवासी इलाकों में इलाहाबाद में जो उनका समुद्रगुप्त गुप्त का जो विजय अभियान का जो शिला स्तंभ है उसमें स्पष्ट है कि कैसे जीत कर आठविक राज्यों को मैंने वन क्षेत्रों के शासकों को उन्होंने मुक्त किया और मुक्त करने के बाद वहां उन्होंने ब्राह्मणों को ग्राम दा, ग्राम दान देकर बसाया जहां जहां ब्राह्मण गए उन्होंने तीन काम किया एक तो जो वहां आदिवासी शासक थे वो संस्कृत में कुछ श्लोक वगैरह गढ़ के उनका उनके उनको किसी सूर्य वंश से किसी नाग वंश से किसी चंद्र वंश से जोड़ दिया क्षत्रिय कुल से जोड़ने का काम किया दूसरा की जो ब्राह्मणी जो व्यवस्था के तहत जो अनुष्ठान और जो पूजा पाठ और वो ढंग से उत्सव है उसकी शुरुआत की तीसरा एक अच्छा काम उन्होंने किया क्या जो वहां स्वपोषी खेती और वो थी उसको थोड़ा प्रोग्रेसिव किया ताकि राजा के पास शुल्क के रूप में पहुंच सके और राजा अपनी सेना करके बढ़ा सके तो ये तीन काम उन्होंने किया तो बहुत सारे हमारे जो क्षत्रिय आदिवासी शासक थे वो अपने को क्षत्रिय उन्होंने घोषित कर से भूमि जी हमारे जी वो अपने को क्षत्रिय के बारे में कि जो जब संपन्न हो जाते हैं तो अपने को राजपूत कर लेते हैं <laughs> <laughs> गरीब होते हैं तो आदिवासी नागवंशियों के बारे में है कि मुंडा लोग ही क्लान है ठीक है अब अब नहीं मानते हैं अपने को उसी ढंग से राजगोंडो के ही छत्तीसगढ़ मतलब राजगुंडो की जो शासन प्रणाली थी उसमें इकाई हुआ करती थी जैसे परमंडल और मिलाकर हाँ, हाँ, हाँ के कितने आदिवासी शासक आज के दिन तो तो में या पहले भी उन्नीसवी शताब्दी में ही अठारहवीं शताब्दी में ही अपने को क्षत्रिय घोषित करके क्षत्रिय में शामिल हो गए तो उससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती आदिवासी राजवंश परंपरा की सब समा कम नहीं हो जाती आ, आ, स्थापना दिवस के दिन मेरी एक मधु मंसूरी जी से बात हो रही थी उन्होंने कुछ वाक्यों का जिक्र किया और बिरसा मुंडा के बारे में उन्होंने कहा कि अब भी बिरसा मुंडा पर कुछ अध्ययन और शोध की आवश्यकता है क्योंकि बिरसा मुंडा का भी संपूर्ण व्यक्तित्व तो अब तक खुलकर बाहर नहीं आया एक्चुअली हमारे आदरणीय जोसफ बाड़ा सर जो है प्रोफेसर जोसफ बाड़ा जो जे एन यू सेवानिवृत्त होकर आए हैं और यहीं रहते हैं हम नाम में और हम लोगों ने सोलह तारीख को जब किया सरदारी आंदोलन के साथ आंदोलन पे तो हमारे मुख्य वक्ता वही थे और भी डॉक्टर श्वेता सिंह मैम ने या टोपो मैम ने संजीवर कॉलेज की और बहुत तैयारी से लोग आए थे तो उनका कहना सही है कि एक्चुअली जितनी सामग्री लोगों के पास मिल रही है उतनी ही सामग्री के आधार पर आप उसकी उनकी व्याख्या कर रहे हैं बाड़ा सर का कहना है जो सब बाड़ा सर का कि अभी बहुत चीजें जो है वो ब्रिटेन में वो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो है जहाँ साउथ एशियन आर्काइव है हाँ पड़ी हुई है जिसके आधार पे हम बिरसा मुंडा या गया मुंडा गया मुंडा की जो पत्नी थी या या बिरसा मुंडा मुंडा के साथ जो जो दो 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 उनकी आ, भाई हाँ, एक भाई एक भी थे गिरफ्तार पत्नियां महिलाएं तो माकी मुंडा जो गर, गया मुंडा की जो पत्नी थी अगर गिरफ्तारी होती है और उनको कड़ी सजा दी जाती है तो उनकी भी भूमिका क्या थी या महिलाओं की भूमिका क्या थी उस आंदोलन में यह रेखांकित होना अभी तक बाकी है जैसे की फूलो झानो की जो भूमिका थी संथाल एक हजार महिलाएं फूलो जानों के साथ और वो अठारह पचपन से लेकर लगभग तीन साल चल रहा है और वो रसद पहुंचाना उस युद्ध के मैदान में और वो सूचनाओं का संग्रहण करना और रात में कैंप पे छापा भी अटैक भी करना और डॉक्टर स्वाता मैम जो अध्ययन कर रही हैं टीआरआई की ओर से उनकी टीम तो कई लोग गोली उसकी शिकार हुई महिलाएं तो ये ढंग से कई इन जो क्रांतियां हैं इनकी कई परत हैं बिरसा के ही जीवन का कई परत है एक एक चाईबासा स्कूल के छात्र के तौर पे बिरसा सरदारी आंदोलन के साथ मानसिक रूप से जुड़ाव और उसके कारण से फादर का विरोध करने वाला बिरसा फिर वो आनंद पाड़ जो उनके मकर हैं उनके पास रह के जो भी वैष्णव है जो भी उससे कुछ ग्रहण करने वाला बिरसा वो बिरसा जो चेचक के रोगियों की अपनी बीमारी की चिंता न करते हुए रात दिन सेवा कर रहा है वो बिरसा या यह बिरसा जो अपने सरना धर्म को बचाने के लिए कुछ उसकी बुराइयों को दूर कर रहा है और अच्छाइयों को ग्रहण कर रहा है तिलका मांझी बीच में छूट रहे हैं तिलका माझी पर बहुत ज़्यादा बात हो नहीं पाई बहुत ज़्यादा शोध नहीं हो पाया सिद्धू कानू और आ, सारा क्रेडिट सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा ले जाते हैं नहीं हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि शुरुआत तो सत्रह से ही हुई थी क्योंकि वो पहले जंगल महाल का जो इलाका है, है जो मेदनीपुर का और हमारा धालभूम जो कहलाता था वहाँ संथाल लोग और भूमिज लोगों ने और अन्य जो अभी हाल फिलहाल में ये भी चर्चा छिड़ गई कि तिलका मांझी जो है वो पहाड़िया थे जबरा पहाड़िया नाम था उनका वो संथाल नहीं थे

अठारह सौ के पहले का जो संथाल प्रगणा है उस पर एक शोध हो रहा है उस पर तिलका मांझी भी आएंगे तो शोध को आने दिया जाए क्या कह रहा है और फोकलोर क्या कह रहे हैं तो वो पहाड़िया लोगों की भावनाएं आहत हो गई जब वो हम लोग ने तो बचपन में देखा था वो भागलपुर के वो चौराहे पे भी तिलका मांझी क्लाइव लैंड की हत्या वाला जो है और वहाँ संथाली लिखा हुआ था तो मैंने भी अपनी इंसाइक्लोपीडिया में संथाली लिख दिया था तो केस हो गया उस पर और बहुत झेल लिया है हम लोगों ने तो एक बार शोध हो जाने दिया जाए क्या थे लेकिन इतना तो सही है कि सत्रह सड़सठ से जो क्रांति की ज्वाला भड़की थी वो वो एक एक निरंतरता आपको दिखाई पड़ेगी और वो, वो जतरा टाना भगत के उन्नीस सौ तेरह चौदह के बाद हाँ। और उन्नीस सौ बीस में जो आजादी की लड़ाई की जो मुख्य धारा थी पूरे देश की उससे उसमें समाहित होके फिर मैं कहूंगा केवल क्रांति के तौर पर नहीं याद किया जाए आदिवासियों के प्रतिकार और प्रतिबोध प्रतिरोध को आदिवासी किसान में शब्द का जोड़ना चाहूंगा किसान थे अपने जमीनों की लड़ाई लड़ रहे थे और अगर आप देखिए अठारह सो से लेकर अठारह तक भगवान बिरसा भिण, मुंडा भगवान शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि हमारे यहाँ आदिवासी संस्कृति में पुरखे कोई स्वर्ग नरक नहीं जाते वो लौट कर आते हैं पुनर्जन्म की पुनर्जन्म भी नहीं होती है वो कोने में वो अधिंग बोंकों के तौर पे पुरखा देवता के तौर पे वो स्थापित होते हैं एक कोना होता है घर में छाया जिसको उंबुल अदेर जिसको अदेर कहते मुंडारी में छाया को भितते हैं उनको आह्वान करते हैं और हमारे अदिंग हाँ उसमें आप बोंकों के तौर पे देवता के तौर पर आप यही रहिए और हमारी रक्षा कीजिए जब तक कि आप हमारे इस पोते बेटे के तौर पर फिर से आते नहीं है तो पुरखा ही वहाँ भगवान के तौर पर अधिंग बोंकों के तौर पर वो

अठारह सौ साल तक आंदोलन चलाया शांतिपूर्ण ढंग से आवेदन दिया उन्होंने कलेक्टर को कमिश्नर को रानी विक्टोरिया महारानी को हाँ, मतलब ऐ, ऐसा वाक्य या ऐसी मिसाल जो है आंदोलन में अठारह तक तो कम से कम नहीं दिखता हाँ, नहीं दिखती है सोचिए छत्तीस साल अब वो लोग कहा वहाँ हाई कोर्ट केस लड़ा वो लोग सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट और वहाँ कहा गया कि कोई आपके पास प्रमाण नहीं है तो जो उन्होंने गांव बसाया था उनके पुरखों ने बसाने के समय जो पत्थर गड़ी हुई थी वहां जो तो उस पत्थर को उखाड़ के लेके गया लोग वहां कलकत्ता कलकत्ता दिखाने जी के लिए और गजेटियर कहता है कि उस समय के बाबुओं ने एक लाख रुपया इनसे वसूल लिया सात आठ साल के मुकदमे में अब 1890 में एक लाख रुपए का मूल्य आप समझ लीजिए जो कि एक पहला चावल बंदगांव से लेके सिलगई तक या पूरे हाँ। रांची जिले में पुराने रांची जिले के हर गांव से एक पहला चावल कर करके इकट्ठा किया गया था अब एक लाख रुपए वसूल लेते हैं और न्याय नहीं देते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में फिर ये, ये को आना पड़ा आना पड़ा मतलब तीर धनुष आना पड़ा फिर भागरथ मांझी का सपा वड़ो आंदोलन अठारह में पीसफुल मूवमेंट है जता भगत अब सोचिए जता का भगत की महत्ता अभी तक देश के इतिहासकारों को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति जो टॉस्टा को नहीं पढ़ता है या किसी फिलोसफी को नहीं पढ़ता है वो गांधी के पहले हिंदुस्तान में अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित आंदोलन चला रहा है अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित बिल्कुल बिल्कुल वो आज भी उन्नीस सौ पंद्रह में आते हैं गांधी सत्रह से चंपारण में सत्याग्रह शुरू करते हैं ये तेरह चौदह में शुरू कर रहा है भाई अजूरी पंचायत तेलंगा खड़िया का

अब आदिवासी समाज को तो ना ब्रेक और ते दो हो नित वर्तमान से चला। ना ते, ब्रेक बोल लगे इनका इतिहास तो वर्तमान सब लहा बुन ला बनता हूँमारा ब्रेक ब्रेक टीम आत दराम पे आपका दा सोन शो और दा सो तेहन पेड़ इन रनेंद्र जी रनेंद्रीजी रनेंद्रजी अ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रहा निदेशक करा दिला इतिहास बुनगाल मराव कि दा। थोड़ा वर्तमान रहा बुनगाल मराव लगी थोड़ा भविष्य रहा हों चर्चाया रविंद्र जी आदिवासी दर्शन को आज हम किस स्थान पर देख रहे हैं क्या मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं क्या वहाँ ये खुद को कहीं खुद की जगह कहीं ले पाएगा याद कीजिए सुरेंद्र जी की जब उद्घाटन हो रहा था बिरसा मुंडा संग्रहालय और स्वतना सेनानी के नाम पे जो संग रखा गया है तो स्वागत भाषण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों की बराबरी की आ, की जो दृष्टि है जो उनका 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 जो चिंतन प्रणाली है उसको रेखांकित करने की किया था उन्होंने तो ये क्या है वो जो वर्ल्ड व्यू है आदिवासियों का उनका जो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक जो सोच है जिसको हम दर्शन का फिलॉसफी कहते हैं वो कैसे भिन्न है आ, बाकी जो आ, बड़े या संस्थागत धर्म है उनसे तो संक्षेप में कहा जाए तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के सठ दर्शन छह जो दर्शन है प्रणाली है ईसाइत है इस्लाम है यहूदी है तो सबके आध्यात्मिक चिंतन में दर्शन में केंद्र में इंसान है मानव है उसके सुख दुख की कामना है पर दुख से मुक्ति की कामना है बहुत विस्तार से अगर नहीं जाया जाए तो वो भौतिक और पारा मतलब ये यहाँ भी उनको आ, उनके कल्याण की बात की जाती है और मृत्यु के बाद जहाँ भी वो जाते हो वहाँ भी उनके कल्याण की और इससे इस दुख से निवृत्ति की बात की जाती है निर्वाण और मुक्ति की बात की जाती है यहाँ ये रेखांकित करने की कोशिश करूंगा कि आप स्वयं आदिवासी हैं और सरहुल और कर्मा और उनके सारे गीतों को आपने उनके मंत्रों को भी सुना है तो कभी भी अन्य धर्मों की तरह वो आ, मुझे पुत्र मिल जाए और पुत्री मिले और दामाद मिल जाए सोना मिले चांदी मिले हाथी मिले घोड़ा मिले ये ढंग के कि किसी सरहुल और कर्मा के गीतों में आपको सुनाई पड़ेगा जब भी वो प्रार्थना करता है तो पूरे समुदाय के बारे में अपने गांव टोले का अपने फसलों के अपने पशुधन का अपने बन, के सबके कल्याण की बात करता है वो और वो बेशक और याद कीजिए कि सरहुल की जो हमारे आ, आवा डॉक्टर रामदेव मुंडा जी ने लिखा था तो जब वो आइए और मिलके बैठ के वो हड़िया पीजिए और भात खाइए और हमको कुछ दीजिए तो उसको उन्होंने एक्सटेंशन दिया था और देश दुनिया के सारे बड़े लोगों को वो तो काल मास से लेके विवेकानंद से लेके और भगत सिंह से लेके सब का आह्वान करते हैं कि आइए और हमारे साथ बैठिए और हमारा वो ग्रहण करिए ग्रहण कीजिए नवाजी और आपको कुछ दीजिए वो तो ये ढंग से वो सारे वनस्पति की और सारे जीवों की चिंता करता है सरहुल याद कीजिए कि की जो दीपावली के तौर पे मनाया जाता है हमारे देश के बड़े हिस्से पे तो है तो फसल का ही धान के आया है घर में धान की जो बालियों की सुनहली सुनहली जो आभा है उसे उसको धन कहा माना गया और किसी कवि ने या किसी ने उसको धन को लक्ष्मी के तौर पे उनका कर दिया एक देवी के तौर पे अब हुआ क्या कि मूर्ति बना के अब पूजा करना शुरू कर दिए उसके बाद जो मूल भाव था कि कृषि फसल आई है घर में उसका उत्साह खत्म हो गया आदिवासी क्या करता है वही गोवर्धन पूजा में भी होती है कि पशुओं की लेकिन यहाँ भिन्नता ये है कि पशुओं की ना केवल सजावट होती है गोवर्धन में तो खर सजावट यहाँ जो गृहणिया है उसको पैर छोके ऐसे प्रणाम करती हैं अपने पशुधनों की आदिवासी परिवार में और जो बनता है उस दिन का प्रसाद जो पशु खाता है वही गांव वो घर के लोग भी खाते हैं तो ये भिंडता है कि हम थैंक्स गिविंग कर रहे हैं क्योंकि ये जो फसल आया है वो उनके भी मेहनत से आया है उनकी भी सहभागिता उसकी सहभागिता है हाँ, उसका भी पसीना गिरा है तो उसके प्रति एक कृतज्ञता उसके प्रति एक थैंक्स गिविंग ठीक है कहानी जोड़ी गई कि जब वो सिंगबोंगा और वो दिन रात की बात तो जो गलत सूचना दे के गया कि वो तीन बार नहाना था और एक बार खाना था और तीन बार खाने की तो बैल बना के भेज दिए तो हुआ कि आएंगी जो ठकुराइन था, था, और देखने आएंगी तुम तो बैलों को लेकिन एक्चुअली ये है कि उन्हें हम थैंक्स गिविंग कर एक्चुअली ये है कि आदिवासी जो है अपने पशुधन को अपने से भिन्न नहीं मान रहा है और उसके प्रति जो उसका बनता है उस फसल का जो हिस्सा उसके प्रति समर्पित कर रहा है तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है अब वो अः बाकी असंस्थागत धर्मों में अध्यात्म में बात कीजिएगा तो बोलिए कि मा, मानव की श्रेष्ठता की बात करते हैं वो श्रेष्ठ क्यों है मानव तो कहें कि इसमें चिंतन प्रणाली है सोचने की क्षमता है अब कितना अवैज्ञानिक है ये बात कि अगर सृष्टि किसी परमपिता ने अगर मान भी लिया जाए तो केवल सोचने की क्षमता उसने इंसानों में ही केवल दी है ये कैसे आप मान के चल रहे हैं जगदीश चंद्र बसु के बचपन में उन्होंने पढ़ा था कि वो वनस्पतियों की संवेदना की बात करते थे और हम छुई पौधे में देखते हैं कि छूने पे अब जो वैज्ञानिक शोध आया है कि जो इंटरनेट हमारा है जिससे हम सूचनाओं अपने बातचीत करते हैं या अब फोटो भी भेज रहे हैं मतलब की अब विजुअल कम्युनिकेशन भी कर पा रहे हैं तो एटीज में अस्सी के दशक में उसका इन्वेंशन अन्वेषण होता है और नब्बे से हम उसका उपयोग कर अब जिस वनस्पतियों की पूजा कर रहा है आदिवासी या जिन बृहस्पतियों पे अपने सिंह सिंगोंगा या धर्मे या ठाकुर को आह्वान कर रहा है अब उन वनस्पतियों के विज्ञान में जाइए तो वो विज्ञान कह रहा है कि लाखों साल से जो नेचुरल फॉरेस्ट है जो प्राकृतिक वन है उनके पेड़ों की जड़ों से फंगस का एक नेट होता है जो पूरे जंगल के पेड़ों को जोड़ कर रखता है पेड़ों को पौधों को झाड़ियों को और केवल सूचनाओं का संप्रेषण नहीं करता है कोई खतरनाक पंखी या कीट आ गया है तो केवल सूचना नहीं पहुंचाना है कोई पेड़ या कोई पौधा मर रहा है तो न्यूट्रिएंट भी भेजता है अपने पोषक तत्वों को भी उस नेट से भेज रहा है ये लाखों साल से कर रहा है पेड़ ये। आप कह रहे हैं कि चिंतन करने की क्षमता केवल मानव में है बिना चिंतन करने की क्षमता के जो किताबें आई हैं वो छह पद्धति बता रही है कि कैसे पेड़ जो है अपने कम्युनिकेट करते हैं छ माध्यम से और विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन उसी ढंग से जंतुओं को भी जंतुओं के कम्युनिकेशन की बात भी है जंतुओं को भी संगीत सुनाया जाने लगा है कम्युनिकेट करते हैं पशु भी पंछी भी एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं कैसे से तो सारे जो है, जो उनका होता है तो ऐसे तो ही थोड़े होता है तो ये जो सोचने की जो ये जो मानव ने एक आत्म क्या कहा जाए मुग्धता का जो भाव है कि हम ही सोच सकते हैं इसलिए सब सुख दुख की कामना हमारे ही लिए होनी चाहिए उसका बड़ा प्रतिकार करता है ये आदिवासी जो जीवन दृष्टि है आदिवासी जो दर्शन है वो केवल इंसानों के बीच बराबरी की बात नहीं करता है बल्कि वो जीवों और जंतुओं की भी बराबरी की बात करता है वो इंसान का महत्व उतना ही समझता है इस धरती पर उसका उतना ही मूल्य है जितना कि एक चीठी का जितना कि एक किसी पौधे का सबका हक इस धरती पर बराबर का है ये नहीं कि जी आ, आज जितनी प्रकृति की बात करने लगे हम जिस पेंडेमिक सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं निकल करके आए हैं

हार्दिक संबंध बना के रहना होगा सीखना होगा कि इनके साथ हमको साथ साथ इस पृथ्वी पर जीना है उनको खत्म करके उनके नस्लों को खत्म करके जंगलों को काट करके आप बच नहीं सकते हैं वो कोई ना कोई महामारी आती रहेगी और एक ये बहुत सच कह रही थी क्योंकि एड्स से लेके और जिंका और क्या क्या वायरस जब आए हैं उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं मैंने जू जीवों से ट्रांसफर होते हैं ये मानव में इसलिए हो रहा है कि जंगलों को लगातार काट रहे हैं जंगलों को काट के अब खनिज और वगैरह तो निकालते ही है अब वनस्पति लाभ के पेड़ों को भी नेचुरल फॉरेस्ट खत्म करके आप वहां लगा रहे हैं अमेजन जैसे जंगल को हमारे यहाँ जंगल लगातार कट रहे हैं तो चमगादड़ों के माध्यम से या बंदरों के माध्यम से कहा से आ रहा होगा वो ट्रांसफर हो के वो बीमारियां तो ये जब तक अब ये भविष्य के बारे में वो कह रही हैं और आदिवासी ढंग से जिए जा रहा है हजारों सालों से तो स्वाभाविक है कि जो आदिवासी जीवन शैली है जो दृष्टि है जो उसका दर्शन है जो उसकी संस्कृति है उस संस्कृति वो अतीत की नहीं है वो आदि जैसे आप मान के चल रहे हैं कि जंगली लोगों का वो भविष्य की संस्कृति है वो भविष्य का दर्शन जाना होगा मजबूरी में अगर आप शौक से नहीं जाएंगे तो होमोसेपियंस जो नस्ल है इंसानों का ये बहुत खतरे में पड़ जाएगा अगर तीन से तीन सौ नस्लें रोज खत्म हो रही हैं किसी ना किसी प्रजाति की हमारे इंडस्ट्रियल कचरे से या हमारे पेट्रोलियम से या केमिकल जो हम खेतों में यूज कर रहे हैं उनसे तो वो अंत में तो हम उसे भी सेपियंस को खत्म होना होगा ना भाई समझिए इस बात को बिल्कुल बाव ये बाव वक्त दर वक्त समय धीरे धीरे जो है वो इंसानों तक करीब आ रहा है ये कह सकते हैं। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का यहाँ एक होड़ी मच्छा ब्रेक हटा लगी ब्रेक हटाओ बाद टी आर आई या कान दिन रहे भूमिका था है ना न ब्रेक टाइम में पिया का प्या प्रदास सोरेन्सू आदास सोरेन सुरे रणिन पेल का जा रण जी टी आर आई की अब भूमिका आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और बढ़ने वाली है इनकी आवश्यकताओं को लेकर के या इनकी भूमिकाओं को लेकर के क्या योजना चल रही है एक तो जितने टी आर आई हैं या और भी यूनिवर्सिटीज भी और कॉलेज भी उनके एकेडमिकसिया के लोग और शोध करने वाले लोग अब आदिवासी इतिहास आदिवासी दर्शन आदिवासी संस्कृति और आदिवासी की जो आर्थिकी है वो जिस ढंग से उपभोग को देख रहा है कंज्यूम कंज्यूमर और कंज्यूम करने की चीज़ों को देख रहा है वो भी भविष्य का के लिए बड़ा संकेतिक है वो क्योंकि आप अधिकतम उपभोग करने की बात जो है जिस पर कहा जा रहा है कि मार्केट उसी पर टिका हुआ है कि आप आइए बाजार में खरीदारी करते रहिए सारे विज्ञापन आपको ये दिल मांगे मोर के कि नहीं अब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कीजिए या पैसे भुगतान कीजिए वगैरह वगैरह लेकिन खरीदिए जरूर हुँ। क्योंकि हुँ। पूरा कंज्यूमर कैपिटलिज्म जो है वो मार्केट के गतिशीलता पे टिका हुआ है नहीं तो फिर वो आ, गिरेगा वो कई तरह के दो में जो ढंग से आई थी आर्थिक संकट अगर लोग मार्केट लेकिन आखिर ये जो भूख है कि सारी मोटरसाइकिल सारे कार सारे एसी सारे रेफ्रिजरेटर अभी माने कंज्यूम हो जाना चाहिए इसका अर्थात सारे जंगल सारे खनिज सारी नदियों से बिजली सब हमको आज ही निकाल लेना है तो मैंने अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है और ये इतनी सच्चाई है कि हम लोग या हमारी पीढ़ी के पहले के लोगों ने जिस नदियों में नहाया था और जिसका अंजुली में लेकर पानी पिया था हमारी पीढ़ी के बच्चे मैंने हमारे बच्चे तो उस नदियों में नहाने की स्थिति में नहीं है सब नाला में तब्दील हो गया है जिस ढंग से ऑक्सीजन सैलून खुलने शुरू हो गए हैं दिल्ली या महानगरों में कि आपको सफोकेशन हो रहा था आइए आधा घंटा ऑक्सीजन लीजिए या फिर निकलिए और मेरा गायब होता देश जो उपन्यास है उसमें कल्पना की गई है कि मोबाइल साइज का ऑक्सीजन सिलेंडर होगा पॉकेट में रखेगा आदमी और नाक में एक ट्रांसपेरेंट वो होगा लगा लेगा तो नाक भी थोड़ी नुकीली और सुंदर आ रही लोगी इसी दिखेगी <laughs> और इरफान ये शाहरुख खान टाइप का कोई सेलिब्रिटी उसका प्रचार करेगा <laughs> कि इतना सुंदर सिलेंडर है ऑक्सीजन का लगा लीजिए लगा लीजिए हाँ। तो ये जो हम अब मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं अगली पीढ़ी को और आदिवासी की जो जीवन शैली है उसकी जो आर्थिकी है जी वो है कि हमको न्यूनतम लेना है प्रकृति से जंगल से इतना हमको आज की आवश्यकता है उतनी। उतनी। उतना ही लेना है ताकि हम अगली पीढ़ी को ज्यादा सुंदर नदी ज्यादा घना जंगल ज्यादा हरियाली ज्यादा बेहतर हवा दे के जा सके अगली पीढ़ी की चिंता कर रहा है वो हम आज की चिंता ही कंज्यूमर कैपिटलिज्म आज जितना भोगना है भोग लीजिए तो हम पृथ्वी को जो है वो कोई दहेज मिला हुआ वस्तु समझ के उसके इस्तेमाल करने की कोशिश में है जो बहुत ही विनाशकारी है तो अब आ, कोई नया रिसर्च आप लोगों का हम लोगों ने शुरू किया है आदिवासी इतिहास पे तो कई चीजें शुरू हुई हैं आदिवासी दर्शन पे हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवाया था फरवरी 2020 हज़ार बीस में उसको पुस्तक रूप में लाने की कोशिश में हम लोग चाह रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष या मार्च तक उसको अंग्रेजी और हिंदी में लाएँ एक मुकम्मल ट्राइवल फिलोसफी की एक ऐसी किताब जो एकेडमिक तौर पे भी दर्शन शास्त्र के जो विभाग हैं पूरे देश दुनिया में उसको स्वीकार करें एक नया चैप्टर उस हिसाब से शुरू हो ढंग तो से ट्राइवल संस्कृति की जो खास खासियत उसकी है जो हाथ से मेहनत करने को कोई को बुरा चीज़ नहीं माना जाता है वो वर्ण व्यवस्था टाइप का नहीं है कि हाथ से मेहनत ये तो अब अछूत हो गए और जो नहीं कर रहा है वो बैठ के खा रहा है वो सबसे ऊंचा है उसी ढंग से प्रकृति से जो एक एक सामंजस्य की गोत्र वगैरह भी वो जीव जगत और वनस्पति जगत से महिलाओं के प्रति जो सहज सम्मान का भाव है और वर्ण व्यवस्था का एकदम अभाव है तो ये जो सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं ये भी एक अध्ययन की मांग करती हैं कि क्यों ये विशिष्ट है आर्थिकी की बात मैंने की वो भी अध्ययन की मांग करती है कि बोलबिया में या भूटान ने जिस ढंग से हैप्पीनेस को अपना इंडेक्स बनाया है आदिवासी भी हैप्पीनेस को भी अपना इंडेक्स बनाता है तो क्यों नहीं इकोनॉमी हो क्या चुनौती नजर आ रही है आदिवासी समाज को एक तो जो मध्य वर्ग हमारा आ रहा है शहर में और जिस ढंग से परिवेश हमारा है जिस ढंग से हर दो मिनट के बाद विज्ञापन आ रहे हैं टीवी नहीं भी देख रहे हैं तो आपको मोबाइल पे ही जिस ढंग से विज्ञापन आ रहा है तो विज्ञापनों की का मनोविज्ञान ये है कि वो आपके मनोजगत को प्रभावित करता है आपके स्वप्न में भी वो ठंडा मतलब को कोला आता है हुँ, हुँ. और बाजता जो न्यूरो साइंस है आई एम ने एक, एक सेमिनार किया था जैसे न्यूरो न्यूरोलॉजी के लोग आए थे कि किस विजुअल के के कारण हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा वो उद्योलित होता है, है उद्दीप्त होता है उस हिसाब से विज्ञापन बनाए जाए मतलब पूरा विज्ञान जो है उस पूंजी के पूंजीवाद के चरणों में झुक गया है जो जो चाह रहा है विज्ञान उस ढंग सेवा कर रहा है न्यूरोलॉजी लगी हुई है कि विज्ञापन का ऐसा प्रभाव पड़े कि ना चाहते हुए तो इस, इस परिवेश से कैसे उभर सकता है ढंग से आपको घेरे हुए है कि आप उसे निकल ही नहीं सकते और आपके लिए बार बार याद दिलाना होगा कि आप इस संस्कृति के प्रतिकार में खड़े रहे हैं आपकी संस्कृति इसके खिलाफ है तो सरहुल जैसे जुलूस की शुरुआत रामदयाल मुंडा बाबा ने की थी उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो दो तीन पीढ़ी से रह रहे थे मिडिल क्लास के, के तौर पे जो अपनी आदिवासी पहचान केवल आरक्षण के लिए बताना चाह रहे थे उनको उन्होंने लाया उस, उस आदिवासी जुलूस में उस, 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 हाँ, उस।, उस सौ से वो शुरू हो गया जुलूस आज लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में लोग उसमें आते हैं गर्व के साथ शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी रूट से जोड़ने की बात थी जिसको वो समझ रहे थे बाकी लोग नहीं समझ रहे थे आ, क्या लगता है कि आदिवासियों की आबादी कम हो रही है या फिर आ, कुछ और संख्या की गड़बड़ी है एक है क्या कि जो मोनोक्रॉपिंग है जो एक फसल ही मुख्य रूप से हम ले पा रहे हैं अगर कुछ सड़क के किनारे लोहरदगा गोला चतरा जैसे जगह छिटपुट जहाँ एक समृद्धि के द्वीप जहाँ सब्जी की खेती हो रही है तो तीन दिन का रोजगार है वहाँ बाकी दिन तीन सौ दिन का रोजगार ही नहीं है मोनोक्रॉपिंग के बाद खरीफ कटने के बाद बड़ी जनसंख्या है हमारी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उतनी बड़ी जनसंख्या निकल के चली जा रही है स्वाभिक जनगणना में वो नहीं आएंगे दूसरी बात ये समझिए कि आदिवासी कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है एक एक जैसा एक रूप समूह नहीं है वो अगर संथाल मुंडा उरांव हो खड़िया चेरो खिरवार नगेसिया जैसे कृषक समुदाय है बेदिया जैसे जो खेती बड़े काश्तकार हैं बहुत प्रगतिशील किसान है धान की खेती मुंडा लोगों ने मुंडा परिवार के लोगों ने देश दुनिया को सिखाई उरावों ने आकर प्रगतिशील खेती सिखाई बाकी समाज को hmm. बाकी समाज वहाँ कुछ महली और वो बड़ाई और लोहरा आर्टिजन ग्रुप है कुछ माइनर ग्रुप है बेथुडी और क्या क्या जिसकी बहुत कम संख्या है और आठ जो हमारे प्रिविटिव ग्रुप है प्रिवटी ग्रुप है जो उसकी बसावट ऐसी है पहाड़ों के ढाल पे पहाड़ के ऊपर बहुत उन्नत खेती हो ही नहीं सकती नहीं हो सकती स्वाभाविक है कि पेट भरने की मजबूरी में ईट भट्टा वगैरह पे चले जाते हैं तो जब भी जनगणना होगी तो वो आएंगे ही नहीं उस गणना में तो और कुछ जो है बिरहोर और सबर जैसे जो पीटीजी ग्रुप है वो जन दस सालों में जनसंख्या उनकी उतनी नहीं बढ़ती है जितने की सामान्य जनसंख्या बढ़ती है प्रतिशत तो हम लोगों ने रिम्स को दिया है वो भार का जो सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट है क्या है जेनेटिक डिजीज या क्या कारण है अल्कोलिज्म है कि एकदम नजदीक में शादियां जनसंख्या उनकी बहुत कम है बहुत नजदीक में शादियां होती हैं प्रोटीन की कमी भोजन में एक सामान्य बीमारी है हमारे यहाँ झारखंड में जा, 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 या जा, आदिवासी अगर आदिवासी हो कास्ट भी है या गरीब पिछड़ी जाति के लोग भी हैं जिनके पास पर्याप्त खेती नहीं दलहन की खेती ही खत्म हो गई है और जो मीट भात शिकार भात खाने का था वो शिकार ही हमको नहीं मिलता है हफ्ता में हार्ट हटा हार्ट के दिन बंडा मीट मिलता है कुछ तो वो चार ग्राम बंडा मीट खिला के आप कितना प्रोटीन दे रहे हैं बच्चे को स्वाभाविक है तो प्रोटीन की जो डिफिशियंसी है वो भी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को प्रभावित कर रही है तो ये सभी अध्ययन का विषय है और इस पर अध्ययन करेंगे हम लोग करवा रहे हैं हम लोग और ये ध्यान देना होगा कि बहुत केवल गवर्नेंस और पोलिटिकल नारों से समाज नहीं बदलता है समाज अपने भी प्रयासों से बदलता है अब जहाँ वो दलहन की खेती होती थी अब केवल आयर छत्तीस या धान उगाने के लिए। गोड़ा धान उगा टाण में हम गोड़ा धान उगाएंगे लेकिन हम वहाँ अरहर या उड़द नहीं लगाएंगे तो ये जो मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है क्योंकि प्रोटीन पावर ऑफ प्रोटीन बहुत है जीरो से चार पांच वर्ष के बच्चे को अगर प्रोटीन जितना चाहिए प्रतिदिन नहीं मिलेगा तो उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों को प्रभावित हो जाएगा फिर बाद में कितना भी अंडा खिलाइए वो बढ़ने वाला नहीं है उसको वक्त पे चाहिए वक्त पे चाहिए तो कि खाने में प्रोटीन जो है चाहे दाल के रूप में ले रहे हो या मीट के तौर पर ले रहे हो देख रहा था आज के ही हिंदू में वो जो अभिजीत बनर्जी नोबेल मिला था तो उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों ने जिस ढंग से शून्य का आविष्कार किया जिस ढंग से अनु वैज्ञानिक आविष्कार किया उस ढंग से दाल का भी आविष्कार किया भोजन में दाल का शामिल होना एक बहुत बड़ा आविष्कार था कैसे अब बहुत स्वादिष्ट तौर पर हम प्रोटीन को अपने प्रतिदिन के खाने में और देखिये ही गायब है हमारे खाने में पानी भात साग भात कुछ भी खा ले रहे हैं कार्बो केवल ले रहे हैं हम लोग चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, बहुत ही अनमोल जानकारियाँ और था था। विचार अपने अपने हमारे साथ साझा किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद था। 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 तो मैं के दिया रनेंद्र जी कोई दो टी आर आई रन डायरेक्टर करें और उन्हें शिक्षाविद लगाते ऐन कथा को ले सदौर किया और हिजुका दिन रहे आदिवासी कुआ खान पान रहन सहन संगीत इतिहास चिका थाना नुआपू सनाम रहा हाँ वाली गाल बढ़ा तो वह इजाज़त मुझ पे? माँ के। जोहर